नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं तीन की बात। मैं हूं आपके साथ हिना और मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। बुलेटिन में आज बात होगी देश के बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों की, जिसने आम आदमी को जेब में आग लगा दी है और विपक्ष भी सड़क पर अब उतर आया है। और इसके साथ ही बात करेंगे सीएम योगी के बनने वाले इस रिकॉर्ड की, जिसके तहत एक दिन में 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा और यूपी के सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ का कहर। लेकिन इससे पहले आइए देख लेते हैं बुलेट 50। नेपाल के बाढ़ के खतरे के बीच वाल्मीकि बैराज पर बैरियर बना, भारतीय इंजीनियरों की आवाजाही पर लगाई रोक। भारत के दबाव के बाद पीछे हटा नेपाल, भारतीय इंजीनियरों को बैराज से निरीक्षण किया, स्थायी अनुमति प्रदान की। वाल्मीकि बैराज का स्थायी समाधान न निकलने पर यूपी बिहार में मंडरा रहे बाढ़ का खतरा बढ़ा। आयुष मंत्रालय की अनुमति के बाद ही बिक सकेगी बाबा रामदेव की कोरोनिल दवा, आयुष मंत्री श्रीपद नाइक बोले पहले नहीं ली परमिशन। आयुष मंत्री की बाबा रामदेव को हिदायत, दवा की घोषणा बिना किसी मंत्रालय से अनुमति लिए मीडिया में नहीं करनी चाहिए। तेल की बड़ी कीमतों पर मोदी सरकार पर राहुल गांधी का ट्वीट, कहा सरकार ने कोरोना महामारी और पेट्रोल की कीमतें अनलॉक कर दी। देश में पहली बार डीजल के दाम का तेल की बढ़ी हुई कीमतों के विरोध में प्रदर्शन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का राहुल गांधी पर वार, कहा खारिज और बेदखल किया गया राजवंश, पूरा विपक्ष नहीं हो सकता। कोरोना के लक्षण वाले एक एक व्यक्ति का टेस्ट होगा। दिल्ली में 3 जून तक कैंटोनमेंट इलाके के हर घर की स्क्रीनिंग की तैयारी। सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे का लद्दाख दौरे का दूसरा दिन, अग्रिम मोर्चे का लेंगे जायजा, सैनिकों के साथ बातचीत करेंगे। भारत चीन तनाव के बीच मॉस्को की विक्ट्री डे परेड पर भी गलवान घाटी के तनाव का असर, भारत चीन के रक्षा मंत्री नहीं करेंगे मुलाकात। यूपी के 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार को राहत, डबल बेंच आदेश में हस्तक्षेप से सुप्रीम कोर्ट का इंकार। 24 घंटे में कोरोना करीब 16,000 नए मामले आए सामने, 10,494 लोग हुए थी, कुल संक्रमितों का आंकड़ा 4,56,000। यूपी में कोरोना के 576 नए मरीज मिले, 515 ठीक हुए, प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 18,971 पहुंचा, 588 की मौत। आज से यूपी में शुरू होगा कोविड एंटीजन टेस्ट, सीएम योगी ने कहा हर विकास खंड में स्थापित हो कोविड हेल्प डेस्क। 26 जून को 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे सीएम योगी, प्रदेश में रोजगार का होगा मेगा अभियान, पीएम मोदी करेंगे शुरुआत। भारत के इतिहास में पहली बार पेट्रोल से महंगा हुआ डीजल, राजधानी दिल्ली में डीजल पेट्रोल से महंगा लगातार 18वें दिन बढ़े दाम। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर भोपाल और हैदराबाद में प्रदर्शन, भोपाल में दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर। दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश शुरू, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, पश्चिमी यूपी में भी मानसून की दस्तक। बनाने वाली कंपनी में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। मैं आपको बता दें कि जवाब देने पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर निशाना साध चुके हैं, कहा आगरा डीएम को नोटिस भेजे गए हैं, जवाब दीजिए उसका। कमिश्नर सुजीत पांडे के निर्देश पर लखनऊ पुलिस ने लगाया सघन चेकिंग अभियान, चौराहों पर गाड़ियों की चेकिंग। अयोध्या में मंदिर निर्माण से पहले तैनात होंगी गाइड, टूरिस्ट गाइडों का परीक्षण शुरू, 240 अभ्यर्थियों ने किया था आवेदन। मुजफ्फरनगर में पुलिस का ऑपरेशन ग्रीन जारी, पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़, एक बदमाश गोली लगने से घायल, एक बदमाश मौके से फरार। आगरा में शौच के लिए गई गर्भवती महिला का हुआ प्रसव, नवजात को खींच ले गए जंगली जानवर, ओडीएफ घोषित गांव में नहीं बने शौचालय। जोराम में फर्नीचर गोदाम में लगी भीषण आग, 25 लाख का सामान जलकर राख। फरुखाबाद में क्वारंटाइन सेंटर में अव्यवस्था से परेशान मरीज, क्वारंटाइन सेंटर में गंदगी का वीडियो वायरल, स्थानीय लोगों ने जमकर किया हंगामा।
लखनऊ में बदमाशों को नहीं है पुलिस का खौफ, सराफा व्यापारी से खुलेआम लूट, बदमाश पुलिस की गिरफ्त से दूर, लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद। बाराबंकी में चीन के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश, स्थानीय लोगों ने चीनी राष्ट्रपति का फूका पुतला, चीनी सामान का किया बहिष्कार। जौनपुर में छेड़खानी का विरोध करना पड़ा महंगा, दबंग ने चाकू से किया हमला, एक भाई की मौत, एक का इलाज जारी, पुलिस ने दर्ज किया मामला। पंचतत्व में विलीन शहीद जवान, और चीन को लेकर लगातार लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। हरिद्वार में भी चीन सरकार का पुतला फूका गया, लोगों ने महंगाई पर घिरी सरकार, लगातार महंगे हो रहे हैं पेट्रोल और डीजल के दाम, जिसको लेकर लगातार नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का केंद्र सरकार पर वार। और इसके साथ ही आपको बता दें, पिथौरागढ़ के मुनस्यारी मिलन मार्ग में टूटा पुल, कुमाऊं कमिश्नर ने दिए जांच के निर्देश, ओवरलोड वाहन ले जाने से टूटा था पुल। उत्तराखंड में 25 जून से बसों का संचालन शुरू, परिवहन निगम की बोर्ड बैठक में मिली हरी झंडी, यात्रियों की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए। स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, इलाज के लिए दूसरे जिले में जा रहे हैं लोग। मसूरी में कोरोना की भेंट चढ़ा मौड़ मेला, मंदिर समिति ने मेला न मनाने का लिया फैसला, ग्रामीणों में छाई मायूसी। केदारनाथ की तर्ज पर भव्य दिखेगा बद्रीनाथ धाम, पर्यटन विभाग ने तैयार किया मास्टर प्लान, श्रद्धालुओं को दी जाएगी बेहतर सुविधा। देहरादून के पिकनिक स्पॉटों पर घूम रहे हैं लोग, प्रशासन के फैलने का खतरा बढ़ रहा है। चमोली में डॉक्टर भूमिका विश्रोई का सराहनीय काम, कोविड-19 के प्रति कर रही लोगों को जागरूक, लोगों को निःशुल्क बांट रही दवाई। दिवंगत इंदर कुमार की पत्नी ने लगाया शाहरुख खान और करण पर नेपोटिज्म का आरोप, बोली शिकार हुए थे इंदर। कोरोना संकट से बचने के लिए आयुष्मान खुराना ने की फैंस से अपील, बोले इम्यूनिटी को दुरुस्त करें। बिहार में सलमान, करण, आलिया की फिल्में होंगी बैन, सुशांत की सुसाइड से आहत फैंस ने फिल्में देखने से किया पूरी तरह इनकार। ऋतिक रोशन पर एक बार फिर भड़की कंगना, नेपोटिज्म को लेकर कसा तंज, बोली पिता की देन है आपका करियर। नेपोटिज्म को लेकर सामने आई सोनी राजदान, बोली हल्ला मचाने वाले, क्या अपने बच्चों को इंडस्ट्री में आने। एक्टर परेश रावल ने बताया एक्टर्स को इंटरटेनर, बोले पुलिस और आर्मी है रियल हीरो, हीरो का मतलब जानना है। सोनू निगम के बाद अदनान, अलीशा ने किया म्यूजिक माफिया का जिक्र, बोले संगीत का ज्ञान नहीं बने बैठे हैं भगवान। जुलाई से शुरू होगी आलिया आदित्य स्टारर फिल्म सड़क 2 की बची हुई शूटिंग, मेकर्स ने दी शूटिंग की जानकारी। कंगना की बेबाकी फैंस को आई पसंद, नेपोटिज्म का आरोप झेल रहे करण, आलिया और सोनम के तेजी से घट रहे फॉलोअर्स। मनीषा कोइराला की भारत नेपाल तनाव पर सफाई, बोली सिर्फ भारत नेपाल के भविष्य की है चिंता।